हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी जिस भाई एसएल चैंपियन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच खेले जाने वाले आज के बीबीएल का नेक्स्ट मैच। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारी स्मॉली की टीम क्या होगी। और दोस्तों, वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, डाटा हो चाहे पिच रिपोर्ट हो या फिर प्लेयर से रिलेटेड कोई भी डाटा हो, मैं आपको देखो सारी बातें बताऊँगा। और दोस्तों, कुछ आपके लिए मैं कॉम्बो भी दूंगा ग्रैंड लीग का, जो कि गाइस आपको देखो एक करोड़ वाले जेल में आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे जो कि दोस्तों इस मैच में आपको पहली बार खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको मैं सारी डिटेल दूंगा, आप यार देखो वीडियो में बने रहना। और उससे पहले यार देखो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों यार देखो मेक श्योर यार आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको सारा का सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपसे प्राइम का फी या फिर कोई भी आपसे हम लोग रीगी पे के नाम पे कुछ भी आपसे पैसे नहीं लेते, तो आप यहाँ पर खेलकर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आपको सभी टीमें लाइक क्रिकेट की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, कबड्डी की, सभी टीमें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर खेलकर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलिए मैं सीधा यार देखो मैच को लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये बिग बैश लीग का मैच नंबर 34 रहेगा। डेट एंड टाइमिंग की बात कर लूँ तो ये मैच आज के दिन यानी कि संडे के दिन 8 जनवरी को 1:45 PM यानी कि दोपहर में लगभग ये मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू की बात कर लूँ तो ये मैच सिडनी सोग्राउंड स्टेडियम जो कि सिडनी में ये मैच होने वाला है। ठीक है, पिच रिपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गए देखो यहाँ पर टोटल 30 मैच हुए हैं, जिसमें से गए देखो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 16 बार मैच विन किया है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 14 बार मैच विन किया है। हालांकि अगर आप कुछ मैचेस अगर आप बिग बैश लीग का देखोगे रिसेंटली, तो दोस्तों देखो रन जो टीम है ना वो गाइस रन चेज करते हुए अपनी बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। तो क्या पता देखो टॉस जीतकर यहाँ पे टीमें पहले बॉलिंग ले यानी कि रन को चेस करना चाहे। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर हमेशा से पेसर्स इंजॉय करते हैं, तो अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर बॉलर को पिक करना। और दोस्तों यहाँ पर अगर फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो गाइस यहाँ पर 150 के आसपास यहाँ पर पहले इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है। ठीक है, तो देखो यार ये उतना बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी नहीं है, यहाँ पर आपको देखो एवरेज दोस्तों 150 रन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस होंगे या फिर अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें आएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 की। दोस्तों आप यहाँ पर अब अगर आपका मन हो तो गाइज आप यहाँ पर सभी प्लेयर्स का आप डाटा का आप स्क्रीनशॉट भी लेना, क्योंकि गाइज देखो मैं वीडियो में ये सारा चीज़ मेंशन नहीं कर बोल कर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे एलेक्स हेल्स और मैथ्यू ग्लिक्स राइट एंड लेफ्ट कॉम्बो ओपनिंग करने आएगा। मैथ्यू ग्लिक्स का दोस्तों लास्ट 4-5 मैच से अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों बैक टू बैक मैचेस से ये कहीं देखो काफ़ी अच्छा खासा खेलते आ रहा है। ठीक है, एलेक्स हेल्स कहीं देखो पिछले सेकंड अगर आप मैच देखोगे दोस्तों 77-59 और फिर 68 यानी कि देखो कुछ मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर दोस्तों देखो ये एक अच्छी खासी पारी खेलता है और काफ़ी बड़ी पारी खेलता है। नंबर 3 पे यहाँ पर खेलने आएगा ओलिवर डेविस 8 मैच में 226 रन और गाइज बैक टू बैक मैचेस में कहीं देखो अच्छी खासी ये बैटिंग कर लेता है। ठीक है, देन गई देखो यहाँ पे एलेक्स रोक्स डेनियल सेम्स जो कि यार बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों करके देगा। बैन कटिंग जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन और गाइस देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 2 मैच में गाइस देखो 6 रन और उसके साथ साथ 2 विकेट और इस मैच में आपको खेलते हुआ दिखाई देगा। जोएल डेविस जो कि यार देखो अपना पहला मैच ये खेलने वाला पहला मैच खेला है, जिसमें से गाइस देखो पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला था और गाइस देखो दूसरा मैच ये गाइस फिर से ये खेलेगा। ठीक है, देन गाइस देखो नाथन मैकेंड्रू 5 मैच में दोस्तों इनको टोटल 11 विकेट मिला है। लास्ट दोस्तों बैक टू बैक मैचेस में ये गाइस देखो इनको एक एक विकेट मिला है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन का देखो एक आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। क्रिस ग्रीन कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन और ऑर्थोडॉक्स बॉलर 8 मैच में दोस्तों इनको 6 विकेट मिला है। लगभग दोस्तों 3-4 मैचेस देखा जाए तो आई थिंक हर मैच में इनको विकेट मिला है। और फिर गए देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर ब्रेंड होगेट राइट हैंडेड बैट्समैन होगा देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर 8 मैच में दोस्तों देखो इन्होंने टोटल अभी तक 9 विकेट लिए हैं। अगर बैक टू बैक मैचेस की बात कर ले तो दोस्तों 2 मैच में गए इन्होंने अभी तक टोटल 5 विकेट लिए हैं। ठीक है, आई थिंक देखो इनके पास विकेट टेकिंग उतनी एबिलिटी नहीं है, बट देखो गाइस आप फिर भी इनको अपनी टीम में ले सकते हो। उस्मान कादिर दोस्तों लेग स्पिनर 4 मैच में गए देखो इनको टोटल 5 विकेट मिला है और गए देखो पिछले 4 मैचेस से गए देखो ऑलमोस्ट इनको 1 या 2 विकेट तो आपको हर मैच में आपको लेके ये देंगे। ठीक है,
अगर गाइज बात कर लेते हैं सिक्सर्स की, तो गाइज देखो यहाँ पर ओपनिंग करने आएंगे जोस फिलिप और गाइज उनके साथ यहाँ पर जेम्स मिस 9 मैच में 258 रन और जोस फिलिप दोस्तों 9 मैच में 170 रन। ठीक है, नंबर 3 पे डेनियल हक्स, नंबर 4 पे कैप्टन मोजेस हेंड्रिक्स, नंबर 5 पे जॉर्डन सिल्क, जो कि गाइज देखो हर मैच में आई थिंक आपको 15-20 रन आपको मार कर देगा। डेनियल क्रिस्टन 9 मैच में 57 रन और गाइज इनके साथ साथ 2 विकेट। और फिर गाइज देखो सैन अबर्ट, जो कि इनके महत्वपूर्ण सबसे बड़े स्ट्राइकर बॉलर रहेंगे, 8 मैच में दोस्तों इन्होंने अभी तक टोटल 13 विकेट लिया था और लास्ट मैच में गाइस देखो इन्होंने टोटल 3 विकेट लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये विकेट टेकर बॉलर हेडनकर 9 मैच में गाइस 11 विकेट और गाइस इनके साथ साथ ये रन भी देखो अच्छा खासा बनाता है। लास्ट दोस्तों अगर लास्ट 5 मैच की बात करो तो 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और फिर 1 विकेट, यानी कि आपको हर मैच में लगभग आपको 1-2 विकेट आपको निकाल के दे देगा। दोस्तों यहाँ पे क्रिस जॉर्डन 3 मैच में 3 विकेट, लास्ट मैच में दोस्तों देखो इनका खाता खाली रहा था बट दोस्तों प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन गाइस देखो टॉड मुर्फे 3 मैच में 3 विकेट और फिर गाइस देखो इजराउल नवे 6 मैच में दोस्तों इनको 5 विकेट मिला। तो गाइस ये थी सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11। बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन क्या रहेगा। दोस्तों सेफ ऑप्शन आपके लिए जोशुआ फिलिप, एलेक्सेल सैन एबर्ट और हेडनकर रहेगा। रिस्की ऑप्शन के लिए दोस्तों नाथ्यू मैकेंड्रू, जेम्स विंस, डेन क्रिस्टन, उस्मान कादिर और क्रिस जॉर्डन, जो कि आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में या फिर अपनी आप मिनी जेल की टीम में आप देखो ट्राई कर सकते हो। और सेफ ऑप्शन गाइस आप टू हेड 3 मेंबर और ऑलमोस्ट 4 मेंबर तक लीग में आप देखो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बात यार कर लेते हैं कि हमारी स्मॉल लीग की टीम क्या रहेगी इस मैच के लिए। स्मॉल लीग की अगर टीम की बात कर ले तो गाइस देखो मेरी टीम ऑलमोस्ट रेडी है और गाइस देखो आप इस टीम के साथ अभी से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, विकेट कीपर मैंने जोस फिलिप और मैथ्यू ग्लिक्स मैंने दोनों टीमों के विकेट कीपर लिया है। देन दोस्तों मेरा कैप्टन यहाँ पे एलेक्स हेल्स रहेगा। वीसी देखो मैं यहाँ पे जेम्स विंस के साथ जाऊँगा। फिर मेरी टीम में जॉर्डन सिल्क और ओलिवर डेविस, जो कि बैटिंग के साथ साथ देखो बॉलिंग भी करता है। ऑलराउंडर मेरे दोस्त सैन एबर्ट और हेडन कर रहेंगे। और फिर दोस्तों मैंने बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन, नाथन मैकेंड्रू और दोस्तों मैंने उस्मान कादिर को लिया है। आप चाहो तो दोस्तों आप सैन एबर्ट और हेडन करके साथ आप देखो अपनी स्मॉल लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो, अगर आपको अलग हट के जाना है, अगर आपको सेफ जाना है तो आप देखो इन दोनों के साथ भी आप देखो जा सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों फाइनल टिप तो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और द गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों देखो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। अगर सपोर्ट समर्थन आया तो दोस्तों आपके लिए अगले मैसेज देखो दोस्तों गिव अवे भी आता रहेगा। ठीक है, आगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।